नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का पहला मुकाबला दो आईपीएल की सबसे कामयाब टीमें, चार बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में इन दोनों टीमों का आपस में भिड़ना सिर्फ दो पॉइंट का मैच नहीं रह जाता, बल्कि उम्मीदें जग जाती है कि कौन सा कप्तान बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, रोहित शर्मा या फिर महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि आईपीएल के दो सबसे खतरनाक कप्तानों के बीच ये मुकाबला होता है। वहीं पर हम आपको बताएंगे कि अब तक के आईपीएल की राइबरी में दोनों टीमों में से कौन सी टीम आगे है, कितनी बार फाइनल में आमने सामने हुई है दोनों टीमें, और साथ ही आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले में एक दूसरे की टीम को हराने के लिए रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख लें, और साथ ही आप भी इन दोनों टीमों के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की राइबरी के बारे में कि आखिरकार इन दोनों टीमों ने अब तक आईपीएल में कितनी बार आमने सामने हुए हैं और कितनी बार फाइनल में आमने सामने हुए हैं। बात करें आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी को टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की अगुवाई में चार बार अपने नाम किया है। दूसरी ओर भारत के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को तीन बार आईपीएल का खिताब दिलाया है। इस बीच अगर बात की जाए आईपीएल इतिहास में इन दोनों टीमों की आपसी भिड़ंत के बारे में, तो 28 बार ऐसा हुआ है जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एक दूसरे से टकराई है। इन 28 आईपीएल मुकाबलों में मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है और टीम ने 17 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स 11 बार विजय रही है। वहीं इन दोनों टीमों के बीच हुए मैच में मुंबई इंडियंस की टीम का सर्वाधिक स्कोर 202 है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे अधिक 208 रनों का स्कोर खड़ा किया है। वहीं पर दोनों टीमों का न्यूनतम स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस का न्यूनतम स्कोर 141 है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स का न्यूनतम स्कोर 79 रन रहा है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। वहीं पर अब दोनों टीमों की बात करते हैं कि कब कब ये फाइनल में भिड़ी है। तो गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच घमासान आईपीएल के खिताबी मुकाबलों में भी देखने को मिला है। सीएसके और एमआई आईपीएल इतिहास में चार बार फाइनल में टकराई है, जिसमें मुंबई की टीम 3-1 की बढ़त से आगे है। आईपीएल फाइनल में सबसे पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस साल 2010 में भिड़ी थी, जिसमें सीएसके ने बाजी मारी थी। इसके बाद साल 2013, 2015 और 2019 में आईपीएल फाइनल के दौरान इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है और तीनों बार मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी है, यानी कि अब तक चार बार फाइनल दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें 3-1 से मुंबई इंडियंस आगे हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस जो अब तक चार बार चैंपियन बनी है, उसमें से तीन बार चेन्नई सुपर किंग्स के सामने ही वो चैंपियन बनी है। लेकिन इसी राइबरी में एक और पेज जुड़ने वाला है, वो है 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला। लेकिन इस बार कुछ अलग रहने वाला है। अलग वो है कि एक तरफ जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के चिन्नातला सुरेश रैना, जो कि चेन्नई के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, वो इस मैच में नहीं दिखेंगे, वहीं पर दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लासित मलिंगा भी इस मुकाबले में नहीं दिखेंगे। यानी कि दोनों टीमों के खतरनाक बल्लेबाज व खतरनाक गेंदबाज नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों टीमों के पास कई ऐसे शानदार खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, जान लेते हैं अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की कौन कौन से वो खतरनाक खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये पहले मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली हैं। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चार बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की कि आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कितनी खतरनाक है। इनकी तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं रोहित शर्मा और क्यूटन डी कॉक। कप्तान रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है और इस बार आईपीएल में उनका ये हिटमैन वाला रूप हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें वो बेहतरीन पारियां टीम के लिए खेलकर दिखा सकते हैं। वहीं पर उनके साथ होने वाले हैं क्यूटन डी कॉक। क्यूटन डी कॉक कई बार मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन पारियाँ खेल चुके हैं और इस बार भी इनसे यही उम्मीद होगी। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर क्रिस लेन उतरने वाले हैं, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ईशान किशन, 6 पर हार्दिक पांड्या और 7 पर कायरन पोलार्ड उतरने वाले हैं। क्रिस लेन पहली बार मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और इनसे बेहतरीन प्रदर्शन की यहां पर उम्मीद रहेगी।
वहीं पर इसके अलावा सूर्य कुमार यादव इस टीम के लिए बेहतरीन रोल निभा सकते हैं। हार्दिक पांड्या सबसे खतरनाक ऑलराउंडर में से एक हैं और इस बार भी इनके बल्ले से चमकर यहां पर चौके और छक्के निकलेंगे। इसके अलावा ईशान किशन टीम के लिए बेहतरीन पारियां खेल सकते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कायरन पोलार्ड पर रहने वाली है, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं इस टीम के लिए। इसके अलावा नंबर 8 पर कुणाल पांड्या, 9 पर राहुल चहर, 10 पर ट्रेंट बोल्ट और 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। यानी कि टीम के पास गेंदबाजी भी अच्छी खासी मौजूद है, जिसमें कुणाल पांड्या, राहुल चहर दो शानदार स्पिनर हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह यहां पर शानदार तेज गेंदबाजी का रोल निभा सकते हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर काफ़ी खतरनाक टीम बन चुकी है आईपीएल 2020 में। वहीं पर अब हम बात करते हैं तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स के पास सुरेश रैना नहीं है, जिसके चलते उनकी तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं शेन वॉटसन और मुरली विजय। यानी कि मुरली विजय को मौका मिलेगा ओपनिंग करने का, क्योंकि सुरेश रैना के नहीं होने के कारण नंबर 3 पर यहाँ पर बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। तो यहाँ पर शेन वॉटसन और मुरली विजय टीम के लिए बेहतरीन पारियाँ खेल सकते हैं। पहले भी मुरली विजय कई बार बेहतरीन पारियाँ खेल चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और शेन वॉटसन भी। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर अंबाती रायडू, 4 पर एमएस धोनी, 5 पर पेप डु प्लेसी, 6 पर केदार जाधव और 7 पर डीजे बराओ उतरने वाले हैं। अंबाती रायडू और एमएस धोनी पर टीम काफ़ी कुछ डिपेंड करेगी, क्योंकि सुरेश रैना के ना होने से इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन पारियां खेलने का दबाव रहेगा। इसके अलावा बात करें केदार जाधव और पेप डु प्लेसी टीम के लिए बेहतरीन पारियां खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों काफ़ी आक्रामक खिलाड़ी हैं और यहाँ पर बेहतरीन फिनिशर भी कहा जा सकता है इन खिलाड़ियों को। इसके अलावा डीजे ब्रावो जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8 की, यहाँ पर रविंद्र जडेजा, 9 पर दीपक चहर, 10 पर सरदौल ठाकुर और 11 पर इमरान ताहिर उतरने वाले हैं। यानी कि एक बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के पास मौजूद है, जहां पर लंबी बैटिंग लाइनअप नज़र आ रही है। नंबर 8 पर उतरेंगे रविंद्र जडेजा, इसके अलावा दीपक चहर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, वहीं पर सरदौल ठाकुर शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं और नंबर 11 पर यहाँ पर अनुभवी स्पिन गेंदबाज उतर सकते हैं इमरान ताहिर। यानी कि सुरेश रैना के ना होने के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है और इस टीम के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है। यानी कि बात करें रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, तो दोनों के पास बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन पारियां खेल सकते हैं टीम के लिए और शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। दोनों टीमों के पास काफ़ी शानदार लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद है नंबर 8 तक। वहीं पर अब बात करते हैं इस पहले मुकाबले की, तो ये मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा, जिसे आप लाइव देख सकते हैं शाम के 7:30 से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर। वहीं पर आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इस आईपीएल के पहले मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, और साथ ही दोनों टीमों में से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कौन सा खिलाड़ी करेगा। इस पहले मुकाबले में आईपीएल 2020 के कौन सा खिलाड़ी बन सकता है मैन ऑफ द मैच, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कर रख लें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।